मंत्री नव दास को श्रद्धांजलि देवारे झारसुगुड़ा ने ठूल है पूरा बीजेडी टीम मुख्यमंत्री नु मूल कर दलर सबु नेता दे श्रद्धांजलि स्टेज उपर भाषण देला बेले बापा स्टोर कर कांदी पकाले झी दीपाली। नव दास मर्डर केस गुजरात गांधीनगर ने अभियुक्त गोपाल चलीचे पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट सियाड़े आईन श्रृंखला के नहीं कमिश्नरेट पुलिस अफिस आगे बीजेपी धारणा। स्कूल बारंडा ने चलीचे भविष्य गढ़ा एक नु पांच क्लास तक 32 जन पिलागे नाइन ठिकना क्लासरूम गला छह मास अव्यवस्था भितर चलीचे बिनका तिलेमाल सरकारी प्राइमरी स्कूल। बलांगीर देवगा सिंखमन छकटाने बाइक बस मुहांमुहि घटना जगाने समीर मरण स्त्री आर दुई झी सीरीयस बलांगीर भीमभोई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ने भर्ती मृतक टीटलागढ़ उड़ा गांव सरोज पसार। सुंदरगढ़ नुआगाँ ब्लॉक ने पातलघंटार अभावी बिक्री बजार सुविधा नहीं नुकसान सौछन चाषी मालामाल होछन मिडिल मैन। स्वर्गत स्वास्थ्य मंत्री नव दासकर आज द्वादशा पालन हो अवसर झारसुगुड़ा सर्वाहाल हाईस्कल पड़िया ने आयोजित होता नव दासकर श्रद्धांजलि सभा एथि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जोगदे श्रद्धांजलि देवार संगे नवंकर कुटुंब लोक को संवेदना जनईले। श्रद्धांजलि सभा ने नवंकर पत्नी झी दीपाली पुओ विशाल सागे ताकर बापा माभिल उपस्थित थे सेन्ता श्रद्धांजलि जनाबारके बीजेडीर केतने नेता मंत्री आर एमएलए भिल पहुंची खाली पश्चिम ओडिशा ना से उपकूलिया ओडिशा नु भिल केतने बीजेडी नेता नवंकर श्रद्धांजलि सभा ने देखवार के मिली था। आज सभा मंच ने भाषण देला बेले कांदी पकईले झी दीपाली आर पुओ विशाल दास बापांकर कथा सोर करी कांदी पकईले दुही भाई बहन नव दासकर वियोग ने झारसुगुड़ावासी सबु सपन के पूरा करबे बोली समाने चेष्टा करबे बोली कहिछन। आज मो बापा चली गले किंतु से यही जिनस कमेकि जन कमेक जाइंट आज गर्वर सहित आम ठिया कि आम पुओ झी कहीं जो प्रकार लोक आमको भल पाँच आम सांगे ठिया आमको सहानुभूति दौंस आम के भूली पार्बुन आउ बापा से आगर कहती बापा चली गले कि बहुत बड़ पर देकी जाइंटर जो स्वप्न था विकास स्वप्न से जिन सब कहते आ गला आगर भी से कहीकि जाइंट कि झारसुगुड़ार विकास से जीवन देदेवे आर जीवन जनसाधारण ही चलीगला तो बेसी किसी कहबेनि खाली मो बापा आत्मा को शांति समस्ते श्रद्धांजलि दिंतु आम के भूली पार्बुन जे एत लोक एत माँ मैंने आसिकी कहते मत कि अनाथ हो गले मु भावुली कि मु मो भाई अधा अनाथ हो किंतु आज लोक मैंने आसिकी कहते से अनाथ हो गले तो मो बापा आज चली गले कि जन कमिकी जा आम बहुत बहुत धन्यवाद देबू समस्त को समस्त झारसुगुड़ावासी को ओडिशावासी को आ मो माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक भी कि से आम पर सहित सब ठिया आज आमको बहुत खुशी लगुच आम के भूली पार्बुन नवदास गोटे सोच है नवदास गोटे परिवार है ये परिवार रा ताकत आम यूनिटी आम सामने आधार अच्छे आपण मैंने एत मात्र लोक मैंने सब आसीचंटा देखिक ना ही आम परिवार को ताकत मिलुची एटा देखिक ना ही आम आगे बढ़वा ताकत मिलुची जिते बेले बापा चली गले अंधार दिशुला सब रास्ता जान पार नी मो भी मो माँ आम मैंने किसी भाभी पार नु लेकिन एत लोक मो बापा आसीचन यहाँ देखिका मु आज कही पारि नव दास जाती लेकिन लोक कमेकना जाती लोक ही नव दास को बनते परिवार ही एवं विशाल दास आ दीपाली दास आ मिनती दास आ चार्वी दास सागे रपन सब मो पर जमती बापा समस्त रोते जमती बापा समस्त कथा लगुले आमती बापा सब गाँ गाँ जाना समस्त मिशुले मो पर आम ये सपोर्ट करूचु कि आम भी आपन को सागे से ही जिनस मो बापा करूले से ही हिसाब से आम रही आमको एक छाड़बे नहीं आम भी आपको एक छाड़बे नमस्कार। गुजरात ने गोपाल पॉलीग्राफ टेस्ट चलिए गुजरात गांधीनगर फोरेंसिक लैब ने पॉलीग्राफ टेस्ट हो गोपाल पॉलीग्राफ टेस्ट चली
जानकारी देछन क्राइम ब्रांच एडीजी अरुण पोथ्रा। पॉलीग्राफ टेस्ट बाद गोपाल रो नार्को टेस्ट फिल करा जिबा। तेबे नार्को टेस्ट आग्नु अभियुक्त स्वास्थ्यावस्था जांच करा जिबा। गलाकाल झारसुगुड़ा एयरपोर्ट नु प्लेन थी गोपाल के गुजरात नीथला क्राइम ब्रांच। दुई नंबर खेपे रिमांड समिया सलाउतारु गलाकाल गोपाल के कोर्ट ने हाजर कराइला। कोर्ट तीन नंबर खेपे पांच दिन रिमांड नबार के परमिशन देते। याधार ने गोपाल रो पांच दिनिया रिमांड आइस नो मूल हिचे। मंत्री नवदास मर्डर केस आर राइज ने आईन श्रृंखला बेपर्जस्त हो पड़ार अभियोग करी आंदोलन के उतरीचे बीजेपी। कमिश्नरेट पुलिस आघाड़े दल तरफ प्रतिवाद करा धारणा दिखे। बीजेपी कहे राइज ने बढ़ी अराजकता। नवदास मर्डर केस ने ठिकना तदन ना हबार हत्या पछे थिबार प्रभावशाली लोक घंट घोड़ाबार के चेष्टा करा। क्राइम ब्रांच अधिकारी को भी दल समालोचना करछे। तार संगे दल धमकी देछे आके जोरदार हबा आंदोलन। बीजेपी अभियोग ने बीजेडी प्रतिक्रिया मिलना पारि। आईन श्रृंखला परिस्थिति आज राज्य में एक भयंकर स्थिति में पहुंची। साधारण लोकर जनजीवन पूरा विपन्न अवस्था पहुंची। से दृष्टिकोण आम आज पूरा दाबी करुचु ये आईन श्रृंखला परिस्थिति जेहेतु तुम संभा पार न ओडिशार मुख्यमंत्री तुमर मुख्यमंत्री आसन में बसवार योग्यता ना। आज आम दाबी करुचु दल तरफ जे मुख्यमंत्री इस्तफा दिंतु। जघन्य घटना गोटे गोटे घटी जापरिक निजर मंत्री को जार सुरक्षा दबार कैपासीटी ना जो मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री इस्तफा दिंतु। ए आंदोलन को पूरा क्रमगत भाव चलो। तेबे इने जह सूचना दबार के झारसुगुड़ा नु जुड़े हेछन अमर प्रतिनिधि भागीरथी साहू। भागीरथी, नवदास मर्डर केस इ घटना जेतकी दिन गड़तेल जाउछे सेतकी सस्पेंस बढ़ुछे जे कारण खुजुछन पूरा ओडिशावासी काय थेल लागे मर्डर हितला। तो गुटे आडे देखमा आज तांकर द्वादशा पालन हितला आर पूरा केतने मंत्री पूरा झारसुगुड़ा नु मूल करी उपकुलिया तक सभे ठुलैथिले। तो गुटे आडे तांकर द्वादशा पालन होछे लेकिन आरो आडे क्राइम ब्रांच चलेछे तार तदन जे कारण काना। हाँ सुकन्या, निश्चित भाव कहमा आज का बार नंबर दिन थिला। आ बार नंबर दिन रे श्रद्धांजलि दिहला एंता कि मुख्यमंत्री भी ये आउ सरकारी दल बहु वरिष्ठ मंत्री बहुत विधायक ये आईन श्रद्धांजलि भी दे किंतु आम इन समस्ते गोटे जानवा लगे चाहूजन जो प्रकृति में हत्याकांडर कारण काण है। कारण आज तक जनानी पड़वाले आज भी जेन मैंने ये कार्यक्रम जोग देते श्रद्धांजलि सभा जेन मैंने भी स्थानीय बासिंदा हूँ जोग देते मन में भी गोटे क्षोभ अच्छे जे प्रकृति में कारण लोकलोचन के आसू। आम छत लोकर प्रतिक्रिया भी नहीं कहार हिसाब से निश्चित भाव में कहजन जैसे क्राइमब्रांच जदिव तदन करुचे तदन रटभणा नहीं हो तदंत प्रकृत हत्याकारी जीए से इनके आसू से मानने हत्याकारी तो धरा पड़ीजे किंतु प्रकृत कारण काण है से कारण कहकर लोकलोचन के निबार क्राइमब्रांच तदन करुचे किंतु सीबीआई रो भी तदन दाबी कर बड़बड़िया नेता मैंने भी दाबी कर स्थानीय लोकंर मुहर भी से गोटे स्पर आम जिते प्राय बार दिन है जेन आम विभिन्न समय सबू जगार प्रतिक्रिया मैंने नौ समस्त मनरे गोटे गोटे स्पर समस्त मुहर शुभुजे जे सीबीआई तदंत करू क्राइमब्रांच उपरे कौन से भरसा नहीं न जेहेतु गोटे पुलिस एस आई पूरा स्पष्ट दिवा लोकर हत्या करचे से लगे बोल कर पुलिस पुलिस मारीचे पुलिस तदंत करचे यहाँ समस्ते कौन आश्चित भाव में कहमा तांकर जेन डिमांड अच्छे से डिमांड फुलफिल हो ना आज तो आम किसी लोक तांकर प्रतिक्रिया भी नौ अनेक तो कहल आम आंदोलन के उतरमु बोलिकर जेहेतु वरिष्ठ मंत्री तांकर बहुत दबदबा थिला झारसुगुड़ा थिला पश्चिम ओडिशा थिला एंदा करे ओडिशा रे थिला तेणु चक्रांत करिकर इताके हत्या करा नै जाय तो हेतु ना प्रकृत क्षय काण अच्छे प्रकृत काण घटना है सेटा लोकलोचन को आईतार भितर आज का जेहेतु बार नंबर दिन थिला तांकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम थिला मुख्यमंत्री धरिकी सब बड़ बड़ नेता मैंने सब स्थान रही आउ इनो आम गोटे देख लूँ जो समस्ते भाव विह्वल हो जाते आम निजर नेता के आम आज हरईं आ प्रकृत घटना कहीं जनानी पड़वार बोल कर प्राय जितकी लोग प्राय 70,000 लोक पाखापाखी इन ये कार्यक्रम जोग देते आ समस्त मनरे जिते बोले गोटे सूच तर फोटो चित्रटे सब देखिक प्राय प्राय कांदी पकाते आम नेता को आम हरौं बोली कितु
अन्याडे जदि देखमा क्राइम ब्रांच जेहेतु इतार तदन भार के नेचे आ पहला तो 4 दिनिया रिमांड नेथिला तापर फेर 4 दिन नेला आ कालका फेर 5 दिन लागे नेजे आ विभिन्न टेस्ट झारसुगुडा रु हमर प्रतिनिधि जे निहाती भाबे ई कारण तो गुटे आडे खुजा चलबा लेकिन झारसुगुडा वासी आमे कहि परमा जे जेंतिक ने तांकर जी बिल प्रतिक्रिया देउथले जे लोक माने भी कहुचन जे जेंतिक से माने अनाथ गेले तांकर नवदास कर जे मृत्युटा समस्तंकु निहाती आघात देछे तो निहाती भाबे पूरा सभे यादे टाकी बसिछन जे कारणटा काणा तो ये नहीं कि झारसुगुड़ा नु आम संगे जुड़ी होते आम प्रतिनिधि भागीरथी साहू धन्यवाद भागीरथी आपंकर सब सूचना लगे स्कूल बारंडा ने भविष्य गढ़ुचन छात्र छात्री सुवर्णपुर जिला बिनका तिलेमाल सरकारी प्राइमरी स्कूल ने देखवार के मिली छे एंता अव्यवस्थार चित्र स्कूल ने एक नु पांच क्लास तक 32 जन छात्र छात्री पाठ पढ़ुला बेले क्लासरूम अभाव थिबार अभियोग होइछे एंता कि स्कूल घर कांथि बिल भांगी जाइथिबार नु विपदीय अवस्था ने छात्र छात्री पाठ पढ़ुचन गला 6 मास हला क्लासरूम अभाव लगे छात्र छात्री एंता बारंडा ने पढ़ुवार अभियोग होइछे आर आड़े इने सुवर्णपुर कलेक्टर कहिछन सरपंच कर संगे कथा ही जल्दी स्कूल ने क्लासरूम करा जिबा श्रेणी कोठरे सीमेंट गड़ुची आम कोलापटा नाही आम बसिबा पाए बहुत गुलगुला होउचु आम बारंडा रे पढ़ुचु बोले पढ़ी पारे नाही कोलापटा भी नाही छात्र तु सिरमेट गड़िवारु दीर्घ 6 मास रु बारंडा रे पढ़ुचु आमे ठीक बाहर पढ़ नै पारबार आमे दावी करियु जे ए सरकार हमकु नुआ स्कूल बने देता बोले आमे पढ़ी पारतु हमर 5टा क्लास होची हमर तिलीमाल प्राथमिक विद्यालय रे आउ 2टा श्रेणी कोठरी थिला गुडे रंधा घर अछि आउ आमे अनुभव कलु जे हमर पाखरे जे श्रेणी कोठरी अछि तार छात्र रु सीमेंट खसिक छड़ मैंने दिशुची आउ विपद संकुल अवस्था अच्छी तेणुकर आम से शिक्षादा बारंडारे करवा बाध्य होमरठे प्रथम रु पंचम श्रेणी जाए 32 जन छात्र छात्री पढ़ुचन एवं तो आमे आमर समस्त जो सरपंच मानक जीपी को जहाँ पैसा जाए सीएफसी ग्रांट रु से एडिशनल क्लासरूम करें तो आमर जो 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 स्कूल रे प्राइमरी स्कूल रे बिल्डिंग नाही कहिबा पे बहुत खुशी लागु छी कि सबु सरपंच कोऑपरेट करू छथि जोठी जोठी नाही समस्त पंचायत तरफ रु करि देउ छथि बिल्डिंग तो एबे भी अपन जो स्कूल कहिले आमे निश्चित आमे सरपंच मानंग सारे कथा हेबा से एरिया रो एवं मते आशा छी कि जल्दी आमे सेठी गोटे एडिशनल क्लासरूम छात्रि को प्रेम प्रतारणा उतारु फेरार ट्यूशन मास्टर स्त्री थाउ थाउ छात्री को भल पाई 2टा छुआ उतारु यादे ट्यूशन मास्टर फेरारी जेछन एंता घटना घटी छे बलांगीर पुइंतला थाना उमरिया गाने गाँव सत्यनारायण पुटेल ताकर स्त्री थाउ थाउ ताकर झने छात्री को भल पाई थिले ताकर गुटे छुआर जीवन गला उतारु यादे 2 नंबर छुआ के धरी से फेरार मारिथिबा ने छात्री झनक पुइंतला थाना ने लिखित अभियोग करिछन तेबे घटना के ने पुलिस की मास्टर कर प्रतिक्रिया ना मिली सूचना हिसाबे ट्यूशन मास्टर झनक पेशाथी गुटे वेब जर्नालिस्ट तार संगे से ट्यूशन पढ़ासन अभी उठा होची आमर गार सुतना पुटे से मते पढावा लागी आशा दिथिले आ तुम के बाहा भी कर देम बोली कोइ देले तेतिर मध्ये रे मु से विश्वास नै करी आके पल्ली आ आके पढ़ी चाले जेंता तापर से निजे कहिले मु तमर संगे लाइव करबा लै चाहू जे बोली कहिले से आगलु आगरु मध्ये बाहा हिछ से जाने करी भी मोर संगे बाहा वाली चाहले आइया थानार अभिजोग करी छे बस बाइक मुहामुही स्वामी मृत स्त्री आ 2 झी छुआ सीरियस बलांगीर देवगा रास्ता सिंह खमन छक थाने एंता एक्सीडेंट हिचे टिटलागढ़ ब्लॉक उड्डा गाँव सरोज पसायत निज स्त्री करिश्मा कर संगे 2 झी के ने बलांगीर खुजनपाली गाँ के बिहाघर लगे जाऊले बाइक ने गला बेले गुटे बिहाघर बलांगीरु टिटलागढ़ जाऊथबार गणपति बस सामनाड़ू धक्का देथला घटना जगह ने सरोज कर जीवन जाइथला बेले सीरियस अवस्था ने ताकर स्त्री करिश्मा आर 2 झी के बलांगीर भीमभोई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ने भर्ती कराइछे सदर पुलिस घटनार तदन जारी रखिछे फेब्रुआरी मासर पहलानु बजारे पातल घंटार अभावी बिक्री मेहनत करी चास करिथिबार चासी सहुचन नुकसान चास काम थी खर्चा हितबार बिहन सार रो भिल टंका ने बार बार सुंदरगढ़ जिला नुआगा ब्लॉक नु आसी छे एंता अभिजो धान
ଧାଡ଼ କି ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଲାଲ ଚର ଚର ପାତଲ ଘଣ୍ଟା। ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଇ ବଛର ବନି ଚାଷିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ପରିବା ଚାଷ ଲାଗି ବନି ନା କରିଛି। ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା କମାବାର ଲାଗି ବଡ଼ା କଷ୍ଟେ ଲାଗଭାଗ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ହେଲେ ଇ ବଛର ଚାଷୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଚାଷୀ କୁଟୁମ୍ବ ଦିନ ଗୁଟା କ୍ଷେତୁ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ତୁଲୁଛନ୍। ଏତେ ଚାଷ ହେଇଛେ ଯେ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ତୁଲବାର ଲାଗି ଲୋକ ଲଗାବାର ଲାଗି ପଡୁଛେ। ହେଲେ କେଜି ପିଛା ଦୁଇ ନୁ ତିନି ଟଙ୍କା ବେପାରୀ ପାସେ ବିକି ଦେଉଛନ୍ ଚାଷୀ। ଚାଷ ଏଇ ତଳିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନେଇକରି ଆସିଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବି ନାହିଁ ବାହାରେ। 25 କେଜିରେ 90 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା ଯେମିତି ପଡ଼ୁଛି, ତ କ'ଣ କହେ। ଚାଷ ଯେଉଁ ତଳି ପାଇଁ ଆସିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇକି ନାଇଁ ହୁଏ, ନିଜର ଘର ପାଇଁ ବି ନାଇଁ ହୁଏ, ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସରକାର ଯଦି କିଛି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ହେଲେ ତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ନିଜେ କିଣି ନିଅନ୍ତେ ହେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ବି ପଇସା ମିଳିତା। ଏବେ ଯୋଗାଇଲୁ ହେଲେ ଫଲ ଦେଲା, ପାଚୁଛି, ଏଇ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧା, ଆଉ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ସେଇଟା ବି ରେଟ୍ରେ ନାଇଁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଯେତେ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦିଶୁ ନାହିଁ, ଆର ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ପଇସା ନେଇକିନା ଚାଷ କରୁଛୁ। ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ହିଁ ଚାଷବାସ ଲାଗି ସେନ୍ତା ପାଇନର ସୁବିଧା ଅଛି। ସେଥିଲାଗି ପାତଲଘଣ୍ଟା ଚାଷ ଲାଗି ଲାଗୁଥିବାର ପାଇନ ଭିଲ୍ ଘିନିଥିସନ୍ ଚାଷୀ। ଏନ୍ତାକି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ଯେତେ ଦାବି କଲେ ଭିଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁ ନାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ସେଡ଼େ କୃଷି ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ପାନପୋଷ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର। ଆସୁଛନ୍ ବେପାରୀମାନେ, ସେମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ ଏଟ୍ରେ, ଆର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ହେଉଛି। ନୋ ଡାଉଟ୍, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ହିସାବରେ ଯଦି ହେଇ ଆମ ପାଖରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଛି, ସ୍କିମ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ବି ଯଦି ସେମାନେ ସେଥିରେ ସେଇ ଫେସିଲିଟିଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଦେନ୍ ବେପାରୀ ମାଲାମାଲ ହେଉଥିଲା ବେଲକେ ଚାଷୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଇ ଟମାଟର ଚାଷୀ ଇହାଦେ କର୍ମେ କାଣା, କେଜି ପିଛା 2-3 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ଅଭାବ ବିକ୍ରିର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ ଚାଷୀ। ସରକାର ଇତାର ଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତ? ନୂଆଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗଣେଶ ସାହୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ପବନ ତିୱାରୀ, ଓଟିଭି। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାଠାରେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି BRSର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମିଟିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ମିଟିଂରେ କୋରାପୁଟର ଆଗ୍ରହର MP ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ସାମିଲ ହୋଇକରି ଦଳର ଆଇଲା ଦିନର କାମକାଜ ବାବଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତଟେ ନେତା ଆର୍ କର୍ମୀ ଏଥି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟକେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନଥି ସବ୍କେ ସାମିଲ କରବାରକେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଜୟରାମ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରୀୟ BRSର ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନରେ, ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନରେ, ଦଲିତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂଗଠନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଜି ଏକଜୁଟ କରାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସମାଜର ତଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦଲିତ ଶ୍ରେଣୀ, ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀ, ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ, ମହିଳା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସର୍ବବିଧ ବିକାଶ ହେବ ସେଥିପାଇଁ BRS ଯେଉଁଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟରେ, ତ ସେଭଳିଆ ମଡ଼େଲ ଏଠି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ସେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଆଜି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। 10 ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ନେତା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସବୁ BRSର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ BRS କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ସଂଗଠନ କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ଦଳରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଫିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ କରାଯିବ। ସେହି ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ସେଦିନ ମାନ୍ୟବର ଆମର BRSର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ତେଲେଙ୍ଗାନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ KCR ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ସେହିଦିନ ଆମ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ। ବରଗଡ଼େ ଚାଷ ଆର୍ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କୃଷି ଆର୍ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ହୋଇଛେ। ପହଲା କରି ଜିଲ୍ଲାନେ ଗଲା 6 ତାରିଖ ନୁ 10 ତାରିଖ ତକ ମୂଲ ହୋଇଛେ ଏନ୍ତା ମେଳା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ଆର୍ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହି ମେଳାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା।
ଏଥି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରକମର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାର ସାଙ୍ଗେ କୃଷକକୁ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୃଷି ପାଠଶାଳାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ମେଲାନେ 50 ଜହ ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟଲ ମାନକେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପାୱାର ଟିଲର, ଧାନ ବୁନା ଯନ୍ତ୍ର, ପଲହାରୁଆ ମେସିନ, ଧାନ କଟା ମେସିନ ମେତାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମେସିନ ରଖାଯାଇଛି। ସେନ୍ତା କ୍ଷେତେ ସାର ଉଷ ଝିଟବାରକେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବନିଛେ। ଆରଡ଼େ ମେଲାନୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଘିନିଲେ ଚାଷୀମାନେ ସବସିଡି ପାଇବାର ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଭିଲ ବନେଉସନ୍। ଚଉଦ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କୃଷି ମେଲା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗଟେ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପହିଲା କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ହେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରେଟିଭ୍ ଫାର୍ମିଂ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ସେଟା ବି ଆମେମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଯେମିତି ଆଜି ଜାଣୁଛୁ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରେଟିଭ୍ ଫାର୍ମିଂ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛି। କେନ୍ତା କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେଟା ମିଳିବା ସୁବିଧା ହେଲେ ତ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କୃଷି ମେଳା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ଯେନ୍ ହେଉଛେ, ଏଥିରେ ଆମର ଲେବର ଯେ ନିହାତି ନା ମିଳିବାର, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେସିନ୍ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛେ। ଏଥିରେ ଲୋକ ଠିକ୍ କାମ କରବା, ଲେବର ଯେନ୍ ନା ମିଳିବାର ସମାଧାନ ହେଇପାରବା। ଆରୁ ଲୋକ ଆସୁନ୍, ଆରୁ ଇହାଦେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛେ, ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଆସୁନ୍ ଆରୁ ଏ ମେଳାକେ ଦେଖିକରି ଜିନିଷ ମାନେ ଘିନି ବିକିରି ନଉ। ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଦିନିଆ କୃଷି ଏବଂ କୃଷି ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ମେସିନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ଉପରେ 5 ଦିନିଆ ଏଠି ଗୋଟେ ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର MLA ମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫାର୍ମ ମେସିନ୍ସ ଯେଟା ଅଛି ସେଇଟା ଡିସପ୍ଲେ କରାହୋଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଡିସପ୍ଲେରୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ।